त्योहारों के सीजन में तला भुना पूड़ियाँ कचौड़ियाँ मिठाइयाँ तरह तरह की, अगर आप सब भी खा के थक गए हो तो बनाइए ये हल्की फुल्की चाट जो खाने में बहुत मज़ा भी आएगा और पेट को बहुत ठंडक भी देगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड टेस्टी। तो चलिए इजी एंड टेस्टी चाट बनाकर, दही बल्ला चाट जिसमें चना डालेंगे और घर में पड़ा हुआ कोई भी फ्रूट वगैरह डाल सकते हैं आप, बहुत अच्छी चाट है, जल्दी से तैयार हो जाएगी। सिर्फ एक कप उड़द की दाल इसके लिए हमें चाहिए। इसको हम भल्ला चाट नहीं कह सकते, भल्ले अलग तरह से बनाए जाते हैं। इसमें हम कुछ खास चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जो आपको खाने में बहुत पसंद आएगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक कप उड़द की दाल, उसको अच्छे से 3 से 4 घंटे भिगो देंगे। दाल भीगने के बाद काफ़ी हल्की और फ्लफी हो जाती है, खाने में टेस्ट बहुत बढ़िया आता है और हमारी छोटी छोटी दही की पकौड़ियाँ बहुत बढ़िया बन के तैयार होंगी। ये देखिए, एक कप के लगभग उड़द की दाल थी, इसको मैंने अच्छे से 2-3 घंटे 4 घंटे भिगो दिया है। अब हम इसको मिक्सी के जार में डालेंगे और 1-1 चम्मच बस या 2-2 चम्मच पानी डालकर इसका एक बहुत अच्छा फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से अगर आप भल्ले बनाएंगे ना, ये भल्ले तो बिल्कुल खाने में पकौड़ियाँ बहुत टेस्टी लगेंगी। साथ में कुछ ऐसी चीज़ें इसमें डालेंगे जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। बस अब हमें इसे कुछ नहीं करना, एक ही डायरेक्शन में लगातार चलाते हुए फेंटते रहना है जब तक कि इसका साइज़ डबल ना हो जाए। टोटल 5 या 6 मिनट लगेंगे। इतनी देर बीच में अगर आपका हाथ थक जाए तो हम इसके लिए चटनी तैयार कर लेते हैं। मीठी चटनी की रेसिपी तो मैंने आपके साथ कई बार शेयर की है, आज मैं फटाफट से हरी चटनी बना रही हूँ। बस मीठी चटनी मेरे को बनी हुई रखी थी। मैंने 1 कप के लगभग हरे धनिए के पत्ते, 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल दिया, 3 या 4 हरी मिर्चें डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, साथ में डाल देंगे 1/2 कप के लगभग पुदीने के पत्ते। और अब इसमें कुछ चीज़ें डालेंगे, कुछ मसाले डालेंगे जिससे बढ़िया चटनी बनकर तैयार होगी, अच्छे से इसके अंदर बाइंडिंग आ जाए चटनी में, दरदरी या फटी फटी सी ना रहे। तो इसके लिए 2 चम्मच भुनी हुई चने की दाल डालिए, आप मूँगफली भी डाल सकते हैं, 1/2 चम्मच नॉर्मल नमक, 1/2 चम्मच काला नमक, 1 छोटा चम्मच खड़ा जीरा डाल देंगे, 1/4 टीस्पून के लगभग हींग डाल देंगे, 1 चम्मच चाट मसाला डाल देंगे और 2 चम्मच नींबू का रस डाल देंगे। अगर नींबू का रस ना हो तो आप चाट मसाला 2 चम्मच कर दीजिए, ताकि अच्छी खट्टी चटपटी मसालेदार चटनी बनके तैयार हो। और उसका कलर तो देखिए आप कितना परफेक्ट आया है और चटनी की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। अगर आप गर्मियों में बनाए ये चटनी तो इसमें थोड़े बर्फ के 2-3 टुकड़े डाल लें, क्योंकि अभी मौसम थोड़ा ठंडा सा होने लगा है तो इसलिए मुझे बर्फ़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस 2 चम्मच पानी डाल लिया। इतनी देर मैंने अच्छे से 5-7 मिनट तक इसको दाल को फेंट लिया था। अब दाल को फेंटने की कंसिस्टेंसी क्या होती है वो मैं आपको बताती हूँ। आप इस बाउल को उल्टा करके देखिए, इसके 2 टेस्ट होते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि दाल सही से फेंटी है या नहीं। अगर आप इस दाल के कटोरे को उल्टा करें और ये देखिए 1-2 बार हिलाएंगे ना तो भी ये दाल जो है वो गिरने वाली नहीं है। इस तरह से ये हो जाती है जैसे कि व्हिप्ड क्रीम, बिल्कुल उसका कलर भी वैसे ही आ जाता है और टेक्सचर भी। अब ये दूसरा तरीका क्या है, एक कटोरी के अंदर थोड़ा सा पानी लीजिए और दाल को डाल के देखिए, अगर दाल फौरन ऊपर तैर रही है दैट मीन्स परफेक्टली तैयार है। बस इसको हम 1 मिनट तक और फेंट लेंगे और हमारी दाल जो है पकौड़ियाँ बनाने के लिए तैयार है। अब इसे आप दही पकौड़ी चाट भी कह सकते हैं, चना चाट भी, कुछ भी कह सकते हैं। अब इसमें डाला है मैंने 1 चम्मच के लगभग अदरक और हरी मिर्च, लहसुन इसमें मैंने इस्तेमाल नहीं किया है ना ही प्याज, 1 चम्मच छोटा जीरा डाल दिया, थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे ताकि अच्छे भल्ले चटपटे बने, और थोड़े से चॉप ड्राई फ्रूट, 4-5 बादाम, 4-5 काजू और 8-10 किशमिश। किशमिश को भी बारीक चॉप कर लें, नहीं तो दूध तेल में डालने के बाद ये थोड़ा सा फूल के फट ना जाए और नुकसान हो सकता है, एकदम उछट सकती है। इतनी देर ये डाला है, इतनी देर मैंने क्या किया, गर्म पानी के अंदर 1/2 चम्मच नमक और थोड़ी सी हींग डाल के तैयार कर लिया है, क्योंकि जैसे जैसे हम पकौड़ियाँ बनाएंगे फटाफट से इसमें डाल देंगे ताकि वो बहुत सॉफ्ट बने। और जो हमारा बैटर था उसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया और डालिए और इसे अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। और साथ में मैंने तेल जो है वो गर्म होने रख दिया है ताकि हमारी दही की पकौड़ियाँ जो है वो बहुत बढ़िया बनके तैयार हो। मैंने इन्हें उड़द की दाल के साथ बनाया है, आप चाहें तो इसे मूंग की दाल के साथ भी बना सकते हैं, पर उड़द दाल की पकौड़ियाँ जो है वो दही के साथ चाट बनाकर बहुत बढ़िया टेस्टी लगती हैं। अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि जितनी भी मैं रेसिपीज़ अपलोड करूँ उन सबका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आप कढ़ाई में तेल देखिए हमें कितना गर्म रखना है, बस इतना, क्योंकि अगर आप तेज़ गर्म में तेल में तलेंगे ना तो ऊपर से ये सिक जाएंगे, अंदर से कच्ची रह जाएगी और इसमें गांठ बन जाएगी। बिल्कुल हल्का गर्म तेल होना चाहिए और गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखना है। जैसे जैसे हम थोड़ी थोड़ी करके पकौड़ियाँ डालते जाएंगे और हल्का हल्का पानी का हाथ लगाते जाएँ तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि ये पकौड़ियाँ अपने आप ही तैर कर ऊपर की तरफ आ गई हैं। ये देखिए मैं एक एक करके पकौड़ी डाल रही हूँ
और ये पकौड़ियाँ धीरे धीरे सिकनी शुरू हो गई हैं और धीरे धीरे अपने आप ही ऊपर की तरफ आती जाएंगी। हमें इनमें बिल्कुल भी कोई छेड़ाखानी नहीं करनी। और ये देखिए, एक डेढ़ मिनट भी नहीं लगा और धीरे धीरे ये अपने आप ही ऊपर की तरफ आकर तैरने लगेंगी और अपने आप ही ये पलटती जाती हैं, जिससे कि हमें इनको सेकना नहीं पड़ता। और ये अगर अपने आप ही पलट रही हैं, इसका मतलब क्या है कि अंदर से अच्छे से सिककर तैयार हो रही है और इनमें अपने आप ही जाली बन जाएगी। मैं भी आपको दिखाऊंगी कैसे इसमें बहुत अच्छी जाली बनी है और एकदम गोल गोल पकौड़ियाँ जो हैं, इनका साइज़ हमने चाहे कैसे भी डाला था, लेकिन ये सिकने के बाद अपने आप ही गोल गोल होती जाती हैं और तैरती रहती हैं, इधर से उधर सिकती रहती हैं। बस अब हमें कुछ नहीं करना, इनको लगातार चलाते हुए सेकते रहना है। गैस का फ्लेम इस समय आप मीडियम हाई कर दें और बिल्कुल लास्ट में जब ये अच्छे से सिक जाएं तो एक मिनट के लिए आप हाई फ्लेम के ऊपर इन्हें अच्छे से सुनहरा कर लें। क्योंकि उड़द दाल की पकौड़ी है ना, जब आप पानी में डालेंगे ना, देखिए अभी गोल्डन रंग है, उसके बावजूद ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही वाइट से कलर की हो जाएंगी। इनका कलर पानी जैसे ही एब्जॉर्ब करती हैं वाइट सा हो जाता है। अब जैसे जैसे पकौड़ियाँ सिकती जाएंगी, फटाफट से हम इनको गर्म पानी में डालते जाएंगे। पानी इतना गर्म होना चाहिए कि ना तो बहुत तेज़ गर्म और ना ही बिल्कुल ठंडा हो, यानी आप उंगली डाल के देख लें इतना गर्म हमें पानी चाहिए होता है। आपके सामने मैंने पानी के अंदर हींग और नमक डाला था, उससे इसका बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा, साथ में थोड़ा हरा धनिया भी डाल दिया है। इसी तरह दूसरे बैच की पकौड़ियाँ भी मैंने तड़का तैयार कर ली हैं। ज़्यादा देर नहीं लगती, ज़्यादा ज़्यादा 7 या 8 मिनट दोनों मतलब बैच मुझे तलने में लगा और खूब सारी पकौड़ियाँ बन के तैयार हो गई। कोई मेहमान आए तब भी आप अपने घर में तैयार कर सकते हैं, होली के त्यौहार पे भी आप ही अपने घर में बना सकते हैं, होली भी तो हम दही बल्ले बनाते ही हैं। तो इस तरह से ये बहुत अच्छी दही की पकौड़ियाँ जो है बहुत बढ़िया लगती हैं खाने में। और अगर रोटी सब्जी यानी कि सब्जी ना भी हो तो रोटी के साथ आराम से इसको खाया जा सकता है। कई लोग तो पूड़ी के साथ इसे खाना पसंद करते हैं। आपको ये किसके साथ खाना पसंद है ये देखिए, कितना इसमें से पानी रिलीज़ हो रहा है। मैंने इन्हें एक प्लेट से ढककर दबा दिया था ताकि फुली फुली पकौड़ियाँ ऊपर ना आके नीचे की तरफ जाएँ और अच्छे से पानी अब्जॉर्ब कर लें। खूब सारा पानी इन्होंने अब्जॉर्ब कर लिया। अभी मैं आपको एक पकौड़ी तोड़कर भी दिखाऊंगी, जो कि आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितनी अच्छी अंदर से प्लफी और जालीदार बनी हुई है। ये देखिए कितनी नरम है और अंदर तक कितनी अच्छी इसके अंदर जाली बन के तैयार हुई है, ये देखिए। बस अब इनका पानी हम सारा निचोड़ देंगे और इनको 2-3 घंटे मैंने पानी में पड़ा रहने दिया था। इसके बाद दही को अच्छे से फेंट लेंगे, उसमें थोड़ी सी शुगर मिला लेंगे और बाकी चीज़ें तो मैं आपके सामने ही डालूंगी। अच्छे से दही से इसको कोट कर लेंगे, उसके बाद इसके अंदर थोड़ी सी मीठी चटनी डालेंगे। खूब सारा अच्छे से इसको दही से कवर कर दीजिए, जैसे कि अगर आप पूरा परिवार एक साथ खाना खा रहे हैं तो आप इस तरह से मेरी तरह पूरी बड़ी प्लेट के अंदर लगाइए और सब अपनी अपनी प्लेट के अंदर जितना जिसको ज़रूरत होगा ना उतना रख लेंगे। और अगर आपको अलग सेपरेट कटोरियों में लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हैं। मैंने तो इसे एक बड़ी प्लेट में लगाया है क्योंकि मैं इसे राइस के साथ सर्व करने वाली हूँ ताकि सबको बहुत मज़ा आए। साथ में इसके मैंने बनाया था ड्राई फ्रूट पुलाव, उसकी रेसिपी मैं फिर कभी आपके साथ शेयर करूँगी। बस इस पर थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे, थोड़ा सा भुना जीरा, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च अच्छे से उसके लिए और थोड़ा सा चाट मसाला। अब जो चने थे मेरे पास 1 कप के लगभग उबले हुए चने पड़े थे, वो मैंने इसके ऊपर थोड़े थोड़े डाल दिए। एक आलू को मैंने बारीक काट के रखा था, वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया। उबला हुआ आलू था, बारीक काट के रखा है। अब साथ में हम डाल देंगे थोड़े से अनार के दाने और थोड़े से अदरक के लच्छे, थोड़े से चुकंदर के लच्छे। इस तरह की बनी हुई चाट हम बाज़ार में तो बहुत खाते हैं, लेकिन आजकल जिस तरह की खबरें आ रही है ना, बाज़ार का तो खाना भी पाप है मेरे हिसाब से। ऊपर से डाल दीजिए हरी चटनी जो हमने बना के रखी थी, फिर से लाल चटनी डाल दीजिए, फिर से थोड़ा सा दही और डाल दीजिए और थोड़े से अनार के दाने। मतलब सारे जितना सामान डाला है दो दो बार डाल दीजिए, तभी अच्छा सा मज़ा आएगा और बहुत ही बढ़िया आपकी दही पकौड़ी चाट बन के तैयार होगी। खाने के बाद सबको ये आप जैसे साइड डिश लेते हैं ना राइस के साथ रायता वगैरह, तो उससे अच्छा ये लगेगा और बहुत हेल्दी भी है। और सारा इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं है क्योंकि हमने पकौड़ी को तलने के बाद पानी के अंदर डाल दिया था, तो पानी के अंदर सारा तेल उसका वो वहीं निकल जाता है और ये पकौड़ी बहुत अच्छी फूल कर तैयार हो जाती है। तो अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आ जाए तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना एक प्यारा सा कमेंट भी प्रेस के तौर पर जरूर दीजिए। आपके कमेंट पढ़ने में और उनको आंसर करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। आप कमेंट्स के आंसर दे दीजिए, जैसा कमेंट होता है उसके हिसाब से मैं बहुत अच्छा आंसर देने की कोशिश करती हूँ। कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिए, पर हाँ रेसिपी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे कल नई रेसिपी में, तब तक आप मेरी बाकी की रेसिपीज़ को प्लीज़ चेक कीजिए और कमेंट जरूर किया कीजिए। मुझे अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं। देखिए कितने नरम रुई से एकदम दही की पकौड़ी चाट बनकर तैयार है। बाय, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।